उदाहरण 14, कोष्टक में 2x धन 5 गुणित कोष्टक में 3x की घात 2 धन 4x धन 6 गुणनफल की घात बताइए। बहुपद 2x धन 5, यह हमारा पहला बहुपद है, इसको हम दूसरे बहुपद को हम गुणा करेंगे, तो यहां 3x का घात 2 धन 4x धन 6 ये हम दूसरे कोष्टक में लिखेंगे। अब हम पहले बहुपद के पहले पद को दूसरे बहुपद से गुणा करने के लिए पहले बहुपद का पहला पद 2x गुणित दूसरे बहुपद का को पूरा यहां पे हम लिखेंगे 3x का घात 2 धन 4x धन 6 कोष्टक बंद। अब पहले बहुपद का दूसरा पद धन 5 को हम पुनः दूसरे बहुपद से गुणा करने के लिए इसे हम कोष्टक में लिखेंगे 3x का घात 2 धन 4x धन 6 कोष्टक बंद बराबर 2x जो है वो दूसरे बहुपद से के सभी पदों से गुणा होगा, तो हमें प्राप्त होगा 2x गुणित 3x का घात 2 धन 2x गुणित 4x धन 2x गुणित 6 धन 5 गुणित 3x का घात 2 धन 5 गुणित 4x धन 5 गुणित 6 बराबर, यहां गुणा करने के लिए गुणांकों का गुणा होगा तो इन्हें हम कोष्टक में लिखेंगे 2 गुणित 3 इसके बाद चर x गुणित x का घात 2 धन 2 गुणित 4 पुनः x गुणित x धन 2 गुणित 6 जिसे हम कोष्टक में लिखेंगे और ये x धन 5 गुणित 3 x का घात 2 धन 5 चौक 20 x धन 5 छक्के 30 बराबर 2 तिया 6 x का घात यहां 1 धन 2 बराबर 3 धन 2 चौक 8 x का घात 1 धन 1 2 धन 2 छक्के 12 x धन 5 तिया 15 x का घात 2 धन 20 x धन 30 बराबर। अब हम सजाती पद को एक साथ लिखेंगे तो यहां 6 x का घात 3 अकेला है, इसे इसके बाद 8 x का घात 2 और 15 x का घात 2 सजाती पद है, फिर धन 12x का धन 20x सजाती है धन 30 चरांक बराबर 6x का घात 3 धन 15 8 23x का घात 2 धन 12 और 20 32x धन 30 चूंकि से x की सबसे बड़ी घात 3 है तो यहां बहुपद की घात 3 है।